थानमो निकलो कमल गेरो फोला दूजा डूंगर में घना अरणी रोजड़ा थामे इंद्र आसन से उतरिया बेवान माला शरी डूंगरी के महाया साडू के श्रवण निहमिया ई माला शरी डूंगरी के महाया भगवान कृष्ण लियो कलयुग में अवतार आया मां साडू की गोहद बेर बोड़ बार आवत बोझ को हर उतार बा गज भूमि को बाहर तो सबो बेली श्री श्री 108,000 भगवान श्री देव नारायण जी का चरणा में नमन करता देखा। हाँ अटे पधारे देखा सभी पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं और भाई बहनों की पार्टी की तरफ से हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम। और आज बादवी छठ भगवान देव नारायण जी के अश्वारी गरुड़ जी का अवतार लीलागर का उपलक्ष्य में यह जयंती मनाई जावे। तो आज के लगभग 1113 साल पहले भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कलयुग का प्रथम चरण में भारत देश की पश्चिमी धरती में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में बदनोर रियासत में खारी नदी के किनारे मालाशरी नाम के डूंगरी में भगवान बेकुंड से बेवान उतरिया और एक कमल का फूल में प्रकट हुआ, जो फूल एक चट्टान के बीच में निकले। देवनारायण भगवान का अवतार ने आज 1100 साल बीते के बाद में भी नारायण भगवान की लीला पृथ्वी पर जो की त्यू मौजूद है। तो भगवान देवनारायण जी को अवतार कलयुग का प्रथम चरण में भारत देश की पश्चिमी भूमि में हुई। अवतार खाने कहे यदा यदा ही धर्मस्य कलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वजामे हम, यानी कि जदिया भी अपनी पृथ्वी पर कोई भी पाप बढ़ जावे, जब सांस पर झूठ भारी पड़े, न्याय पर अन्याय भारी पड़े, पुण्य पर पाप भारी पड़े, तो वह पाप ने खत्म करवा के लिए धरती को पालनहार परम पिता परमात्मा खुशोभी रूप धारण कर पृथ्वी पर उतरे वाला अवतार खेवे। तो देवनाथ भगवान की कथा का कविलोगा कुल 84 अध्याय बनाए हैं। उसान तो भगवान की कथा ने कोई शब्द में न कह सका, फिर भी कविलोगा कोशिश करी है। तो फरमाइश के अनुसार आज आपके सामने प्रस्तुत है देवनाथ भगवान की कथा को अध्याय संख्या 42। यानी कि देवनारायण भगवान ने बचपन पड़ा में, जब देवनारायण भगवान बचपन पड़ा मां पालन में सवा मीना का जीव गीत में माता साडू देवनारायण भगवान की दाई माता कहे पालन पोषण करवा वाली माता ने भगवान की इसलिए माता जन्म देवाल हुए ने भगवान तो कमल का बोल में प्रकट हुआ। लेकिन जी सती नारी ने भगवान को पालन पोषण करवा को सौभाग्य मिलियो वह एक माता साडू नाम की सतवंती गुजरी माता है। भगवान लेर वाके पीर मालवे भरी साडू माता का पीरो मालवे में उज्जैन में, तो वहां भगत में साडू माता भगवान लेर मालवे का ही अट्टे बगड़ावत का रार हुई थी। बगड़ावत गुणा देवनाथ भगवान का पिताजी आना वकराड़ खाकी हुई एक पड़ोस का राजा हाथ दुर्दन साल से की रानी ही जिन्हें नाते लाभा के कारण वहां रानी जेमती के झगड़ा के कारण जाड़ जाड़ में बेर बस गयो। बगड़ावता के रान का पटियार की जो मित्रता है जो भागड़ी बदल भाई आज जो भाईचारो हो रानी के कारण दुश्मनी में बदल गयो। और रान का पटियार के बगड़ावता के लड़ाई चाली खारी के डबे शकरणी के छापर में वह लड़ाई में चोईसी भाई काम आ गया। राणा जी की फौजिया बगड़ावता का वंश ने खत्म करवा के लिए जाड़ जाड़ में समा रही है। बगड़ावता का जटा भी खेड़ा बसाया था गावड़ा हाजा में सब में राणा जी की फौजिया आग लगाई थी, सबने उजड़ कर दिया है। और बगड़ावता को बीज भूति बाकी ने राखो सबने मारना कागरानी नाते ले गया था वहां भगत में धनी के धनी कोई। तो ऐसी विकट परिस्थिति में देवनाथ भगवान कमल का फूल में प्रकट हुआ और साडू माता भगवान ने बचावा के लिए वहां के पीर मावो ले ली। देवनारायण भगवान जब 12-13 साल तक मध्य भारत की भूमि का पाप ने मिटाया, मालवा की धरती ने पाप से मुक्त करी। जब देवनारायण भगवान 12-13 साल की किशोर अवस्था में या घोड़ा नीला पर सवार हो गया घुड़सवारी करवा ला गया, तो देवनारायण भगवान भाजा अपनी गाय ने गाड़िया ने उन्होंने ले गया जा ग्वाल पाल ने उन्होंने जो भी हो तो ले गया जी ने सबने फाचो
अपना बापोदी का देश में ला रहा है। उजड़ घेरे ने पाचा बसावा के लिए अपना पिताजी श्री सोई भोज महाराज को बेर बोड़वा के लिए धरती ने पाप से मुक्त करवा के लिए भगवान भाचा अपना बापो दिगा दे बदरोन में और फेरों कई बात बन जाओ भाई। लीजिए साहब डांसर मिस प्रियंका प्रोम बज्ञा रानी और पीरू दिलवा बहुल श्री देव नारायण भगवान की जय हो। एक बार सभी महापुरुष जोरदार को भगवान देवनारायण जी को जयकारो लगाई और जो भी आवाज आ रही है मेहरबानी कर आवाज ने शांत करनी है कथा का शब्द में ध्यान देना है या देवनारायण भगवान की अमर कथा आपके सामने सारी रात पर चाल कथा में आपके सामने अनेक प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत हो एक बढ़कर एक सुंदर भगवान की जगह है मनोरंजन ज्ञान का भंडार हंसी मजाक सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत हुई लेकिन जरूरी है कि आपने शांति बनी रखनी है तो सभी महापुरुष अपना धन्यवाद खड़ा करके भगवान देवनारायण जी जयकारो लगाई जोरदार को आवाज माला शीर तक प्रिय जानी थवे बोल श्री देव नारायण भगवान की जीन पायो मानव जन्म फिर दिन पायो लाख पायो मरण देशित पायो सर्वनाश इला न देनी आपनी हालरी हुनराई भूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई उगतने पर बात गाया के रे भवन का नाथ बदनोरा संभाली कड़ा
बल्हारा जय बल्हा। कवि लोगा भगवान के गाया लिखी है 980,000 भगवान के साथ में 1444 ग्वालपाली है, 950 बेल गाड़िया है, 9017 भेषिया है। अत्रो लंबो चोड़ो लश्कर लगभग 13-15 कोश का फेर में चले, हकीना के आगे आगे माता साधो हीरा दुई चले मार्ग दर्शन के लिए, और हकीना के अध बीच में चले देव नारायण भगवान। भगवान की चालबा की छवि की है कि भगवान को नीलो घोड़ो दर्दी सवाद ऊंचो चले, जी पर सवा हाथ ऊंचा काटी जी, जी पर भगवान सवार, नो रंग को ने जो भगवान का सिर पर छाया कर तो वो अंदर चाले वन कोई ढाबे को। अगला बगला चाल जा काला गोरा लहर छोचो भार जी भागा बोलियर चकवा करिया नाच। भगवान के साथियों का कुल के वीरवा छोचो भार जी जो भगवान की गीता गाता और संगीत गाता, जी का राग में जंगल का हिरण भी आ नाच वाला जैसे चकवा नाच करता, इंद्र छाटा नागरियो चोड़ा छापर के महा वहां भगत में नारायण भगवान की धरती पर दुआ भरी है, जी धरती में भगवान अपना चरण में ले वहां धरती का प्रयात का काल मिट जावे, बरसात हो जावे, रोग पाप सब दूर भाग जावे, नारायण भगवान धरती ने पाप से मुक्त करता तका फाचा बदनोर की तरफ निकला है। आर्या कटू माड़वा अपना नंदेरा में तो चलता चलता एक दिन गेला में दिन बाबू जान की अंदरों पड़ी हो सांस पर संजा फूल की है तो सब ग्वाल पाली ना के भगवान ने कहे बा लग जा भाई नारायण सांस तो पड़ गिरा संजा फूल भगवान अपनी अतरी अणगणित गया के लिए चारा पानी का संजोग दी गया जी का सुन जो साचा साचा समचार भगवान वाचो कहीं के बा देखा भाई अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाई जो जाको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई ए हरे पाली सुनले सुनले हे मारा समाचार नारायण कहीं के आवायो तोड़ा
बल्हारा जय बल्हा। डांसर श्याम जी भौमिया। तो भगवान गोड़ा नहीं होते, घोड़े गोड़ा आपनी अतरी अणगणत गाय के लिए चारा पानी का संजोग दी या बेलच के डावे खटे चित्तौड़ की धलेटी में। थलेटी गाने कहे मंगरा के नीचे समतल भूमि है जिसे खाया गया का बढ़िया खाऊ चारो है। आज का अपनी गया गाड़िया का मलाड़ दीवा बेलच के डावे चित्तौड़ की धलेटी में। तो आज के 1100 साल पहली चित्तौड़ गांव केवल किला किला में विशुद्ध को नीचे भी गिरना हो 1100 साल पहली। तो भगवान का हुक्म जीतन का गया गाड़िया का मलाड़ बेलच के डावे चित्तौड़ की धलेटी में दे दिया। तो थलेटी का मीनी बड़ी चित्तौड़ का मशान हा बेलच का डावा पे भगवान अपना भागान का डोले ने वहां शमशान घाट में डाल दिया। अर सुगिया खोटी था सब ग्वाल पाली के बल आगे। हे भगवान जी जगह पर आपको डोलू डोल रियो है ना, जी जगह पर तो चित्तौड़ को मशानो है और चित्तौड़ बड़ो गांव है। अगर गांव में कोई मनक मर जाए तो गांव का लोग खाने दाग गरबा लाए दावन वही गड़ी डोलियो और उठनो बेड़ी कांकर तो मशानो है। आपका डोला ने थोड़ो डोडो डाल भगवान गिरा के देखो रे ग्वाला मारो डोलू हिम्मत मरहाना में तीन दिन तक ठड़ो रे वेला। अरे तीन दिन में चित्तौड़ नगरी ने कहीं पड़ जाओ मल्ले जी ने दो नेणा देख लीजियो विश्वा। तो भगवान ने अपना फाकण का ढोला ने चित्तौड़ का शमशान घाट में डाल दियो है। अरे सूर्या गुटी ताण जी दिन की सारी रात तो बीत और फिर हो गई बात बन जा भाई। बहुत श्री देव नारायण भगवान की जय हो।